हाँ ना बोलते रहो, ठीक है। मैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th के लिए जो क्रैश कोर्स है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा रहा हूँ। और हमने जो भी कार्डेशियन प्लेन देखा है उसमें जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब जो मसला होता है, जो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे पता है तुम लोग को आता है, पर फिर भी सुनते जाओ और मुझे रिस्पॉन्ड करते जाना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करता है, क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा। देखो, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो या तो इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो। इधर जाओगे तो भी एक्स पॉजिटिव और ऊपर जाओगे तो भी वाई पॉजिटिव। तो इसमें दोनों एक्स और वाई क्या होता है, दोनों चीज पॉजिटिव होती है कि नहीं, ये बात मुझे बताओ। बोथ आर हाँ पॉजिटिव आर नॉट, ठीक है। अगर मैं वाई में बोलूं तो वाई में देखो एक्स तो नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में बोलूं तो देखो एक्स तो निगेटिव हो गया। देखो इधर जाओगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, इसका क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। दिस इज ओरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, मिलते हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर गए तो निगेटिव, और इधर गए तो, और अगर ऊपर गए तो वाई एक्सिस कैसा होगा, पॉजिटिव, और नीचे गए तो वाई एक्सिस क्या होगा, निगेटिव। कुछ भी याद नहीं रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है बताओ, आंसर देते हैं। इफ आई यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर, नो डाउट, ठीक है। अब बताओ, बताओ याशिन, याशिन माइनस माइनस कॉमा प्लस माइनस कॉमा प्लस, क्योंकि जो एक्स होगा वो निगेटिव होता है और जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसमें बोलूं तो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर इसमें मैं बोलूं तो एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। तो मतलब अगर मुझे कोई भी पॉइंट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है उसको लोकेट करिए, तो वी कैन लोकेट। जैसे मैं कहूँ 3, 4 को लोकेट करिए, तो कहाँ लोकेट करिएगा, कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट फर्स्ट करिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं, रिकॉर्डिंग इज ऑन, अगर मैं कोई और जैसे वो कुछ पॉइंट्स देता हूँ, जल्दी जल्दी तुम लोग बोलना, -2, 3, 3, -4, 5, -6। ये बताओ ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे तीनों, -6, -7। फर्स्ट, ये सेकंड में होगा, ये ए सेकेंड माइनस में टू होगा, कॉमा थ्री नहीं ए किस में होगा, नहीं ये सेकंड ए सेकेंड में होगा, ठीक है। देखते हैं अभी आंसर चेक करेंगे नहीं कि आप नहीं कितना सही होता है। हाँ ऊपर वाला अच्छा, ऊपर वाला सेकेंड में होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल गलत है। और साथ में लोकेट करना भी आना चाहिए। अगर मैं 3, 4 लोकेट करने के लिए कह रहा हूँ ना, तो 3 कितना चले एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में एक, ये 2 और 3, और वाई मतलब ऊपर कितना चढ़े, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही 3, 4 होगा। तो अपने को लोकेट करना भी आना चाहिए। लोकेट करना समझ में आ रहा है ना, कैसे लोकेट करेंगे, कॉपी हाँ में लिखते जाओ। अब मैं लोकेट के साथ साथ तुम्हें ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ इस पॉइंट की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, टेल मी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, देन व्हाट विल यू से, बताइए कैसे निकालिएगा। हमें पता है दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैन आई से हाँ दिस, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस क्या है, 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, पाइथागोरस पढ़ा है सबने, हाँ पाइथागोरस से हाइपोटेनस मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस फाइव परपेंडिकुलर का फाइव हो स्क्वायर। जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 25 का रूट बराबर 5 है कि नहीं, तो दिस इज 5। तो हमें ये भी आना चाहिए कि उसका क्या है, मतलब इस पॉइंट का क्या कह सकते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। चलो जल्दी जल्दी बताओ सबका, लोकेशन और ओरिजिन से डिस्टेंस, लोकेशन और ओरिजिन से डिस्टेंस। फोर्थ होगा अच्छा ये फोर्थ होगा, ठीक है।
एक्चुअली शिफा तुम्हें भी आंसर रिप्लाई करना चाहिए, आंसर देना चाहिए। नीचे वाला भी फोर्थ होगा, नीचे वाला ये भी फोर्थ होगा, बहुत अच्छे। ये भी दिस इज आल्सो फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना। देखो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। अब तुमने ये निकाल दिया, तो जल्दी से ओरिजिन से सबकी डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जल्दी जल्दी करो जल्दी, ये बेसिक चल रहा है, मुझे पता है कुछ लोग उग जाएंगे। शिफा सोच रही होगी सर क्या बेसिक पढ़ा रहे हैं, पर अभी अच्छा आएगा देखना, अभी तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने पक्का कुछ नया सीखा। डेफिनेटली मेरे क्लास में तुम फर्स्ट टाइम आओ या जब भी आओ, तुम्हें हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि तुम उससे पहले कभी नहीं सीखोगे। बताओ बताओ, हाँ जी इसका बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं। यहां से तुम बोल सकते हो ना, एक जनरल जनरल फार्मूला देखते हैं, चलो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जनरल फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का सपोज दैट पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट लिखने का भी तरीका है, हमेशा ना हमेशा ऑर्डिनेट कॉमा एक्सिस लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस लिखते हैं। ऐसा नहीं देखोगे कि पहले कहीं वाई लिख दो और बाद में एक्स लिख दो, इसका ऑर्डर्ड पेयर जो है ना एक्स कॉमा वाई होता है, समझ रहे हो, मतलब ऑर्डिनेट कॉमा एक्सिस ही होता है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले वाई कोऑर्डिनेट लिख दो बाद में एक्स कोऑर्डिनेट, नहीं, तुम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, जो पहले लिखा है वो हमारे लिए अंडरस्टूड है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट ही है। तो देखो अगर कोई एक्स कॉमा वाई है तो इसका मतलब क्या है, वो x एक्सिस में x डिस्टेंस चला है, y एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस चला है, y डिस्टेंस चला है, और इस पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे कहीं है x कॉमा y है कि नहीं। अब मैं इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर तुमसे पूछूं तो तुम क्या कहना पसंद करोगे, बोलोगे सर पाइथागोरस बन रहा है, दिस इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से हम फार्मूला लिख लेंगे कि d फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसी भी पॉइंट का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं इसका डिस्टेंस बोलूंगा दिस इज एक्स का स्क्वायर, तो मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर, दिस विल बी फोर प्लस नाइन रूट थर्टीन, एंड दिस व्हाट विल बी दिस नाइन प्लस सिक्सटीन, ये भी हो जाएगा पांच, ये क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, एंड व्हाट विल बी दिस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। समझ में आ रहा है, सॉल्व करके देख लो, यासीन समझ में आया, बहुत ही सिंपल सिंपल बात चल रहा है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद इट। अगर मैंने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना सीख लिया और क्या सीख लिया, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी सीख ली, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि हम तो जीरो कॉमा जीरो से ले रहे हैं ना, डिस्टेंस कहां से निकाल रहे हैं, जीरो कॉमा जीरो से निकाल रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, ऐसा बोल रहा हूँ। अगर मैं जीरो कॉमा जीरो के बजाय एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट से x2 comma y2 point की डिस्टेंस बताऊं, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा d इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अब 0 comma 0 की जगह पे क्या हो गया है,
एक्स वन कॉमा वाई वन आ गया है। ध्यान से देखो, तुम 0.0 से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे थे, तो तुम बोल रहे थे x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। लेकिन अब क्या निकाल रहे हो, किसी एक पॉइंट से 0.0 के बजाय किसी दूसरे पॉइंट से किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एम आई राइट? मैं इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ ज्योमेट्रिकली, बट मैं नहीं करूंगा क्योंकि दिस इज अ क्रैश कोर्स, तो हमें जल्दी से थोड़ा करना रहता है, इसी स्पीड लगाना रहता है, और मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूले में तुम्हें कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो तो बोलो, आई विल प्रूव दिस फॉर्मूला। दो लाइन का प्रूफ है ये, बताओ समझ में आया? हाँ या ना? तो मैं यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं, एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, जो कि हमारा पहला फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू, उनके ऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर प्लस उनके एब्सिसा के डिफरेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। एम आई राइट आर नॉट? बोल दो भाई। अरे बोलो याशीन, तुम बोलोगे तभी मुझे समझ में आएगा। एक्चुअली शिफा यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही शिफा। यू आर नॉट ऑडिबल। आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आंसर बोलती हूँ बट आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है शिफा, मतलब आप शायद म्यूट हैं। एक्चुअली आपने म्यूट कर रखा है ना खुद को, तो आप आंसर बोल भी नहीं होंगे, तो कैसे हमें पता चलेगा? जो माइक है उस पे क्लिक करके आप खुद को अनम्यूट करिए, जैसे याशीन भाई ने अनम्यूट किया हुआ है, ठीक है? माइक पे क्लिक करिए एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ, फिर आप बोलिएगा तब मैं सुनूंगा। अभी आप म्यूट करके बोल रही हैं। सो एम आई I am not understood your voice, ठीक है? ये समझ में आ गया ना? तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, यासीन ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 2.4 एंड 5.6 के बीच की डिस्टेंस बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। जल्दी से यासीन बताओ बिना लेट किए, फार्मूला नहीं रटना है, फार्मूला नहीं रटना है, मेरे क्लास में फार्मूला रटने की कोशिश मत करना, तुम्हें मेथड याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो हम एक्स को घटा देते हैं, दोनों के एक्स को घटा देते हैं, तो पांच में से दो को घटाओ तीन, पांच में से दो को घटाओ तीन और उसका स्क्वायर कर लो। हाँ जी सर, आई एम डूइंग यस सर। ओके उसके बाद वाई में से वाई को घटाते हैं, छह में से चार घटाओ दो, दो का स्क्वायर आ गया, नौ प्लस चार अंडर रूट 13। सो वेट आई एम डूइंग। ओके सिंपल, डू इट योरसेल्फ। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूँ 3.4 एंड 5.6, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स? सो वेट आई एम डूइंग। जल्दी करिए। ओके आई एम वेटिंग। और तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने पक्का नया सर। सिफा जब क्वेश्चन का आंसर बताना हो तो खुद को अनम्यूट कर लेना। एक्चुअली मैंने तुम्हें टेम्पररीली म्यूट किया है बिकॉज बहुत ज्यादा वॉयस आ रहा था और रिकॉर्डिंग में फिर वॉयस आने लगे।
2√2 ओके देखते हैं इसका अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हुआ तो मैं 5 में से 3 को घटाऊंगा 5 में से 3 घटाऊंगा 2 आया और 2 का स्क्वायर करूंगा यही फार्मूला ना एक x में से yes, दूसरे x को घटा के स्क्वायर करिए तो 5 में से 3 को घटा के स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6 में से 4 को घटाइए ये ना y में से y को घटाइए 6 में से 4 को घटाइए 2 आया 2 का स्क्वायर ये क्या हो गया 2√2 हो गया बहुत अच्छा आंसर दिया आपने ठीक है तो आप मुझे मैं मान के चलूं आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट निकाल सकते हैं मैं मान के चलूंगा यस सर यस सर अब अगर मैं बोलूं 3 पॉइंट्स जो हैं कंडीशन हैशटैग डाल के लिख लीजिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपने पढ़ा है कोलिनियर 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे इसको मैं कई तरीके से प्रूफ कर सकता हूं एक तो डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकता हूं और दूसरा ट्रायंगल से भी करता हूं ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट देखिएगा सुनेगा पहले तो आप मुझे ये बताइए पहले हम थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं कोलिनियरिटी वहीं से आपको दिखाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यासीन भाई आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल पहले ये बताइए कितने पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं उसे मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए अगर मैं 3 पॉइंट्स को मिलाऊं तो एक ट्रायंगल बन सकता है यस सर तो जब भी हमसे ट्रायंगल फॉर्म करवाएगा ना तो एटलीस्ट तीन चीज तो जरूर बोलेगा हो सकता है वो 3 पॉइंट्स ही दे दे मान लीजिए 3 पॉइंट है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 अब ट्रायंगल से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन ट्रायंगल का एरिया पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन ट्रायंगल का नेचर पूछा जा सकता है तीसरा क्वेश्चन ट्रायंगल का सेंट्रोइड पूछा जा सकता है ठीक है और चौथा क्वेश्चन yes, ट्रायंगल का मीडियन पूछा जा सकता है मीडियन पूछा जा सकता है तो ये चार चीज तो बहुत ही कॉमन है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं पर आपके लेवल पे जो मैंने देखा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चार चीज बहुत कॉमन है और हमको एक एक करके सब आना चाहिए इसमें सबसे लल्लू चीजें एरिया निकालना सबसे लल्लू है बहुत ही लल्लू और उसके बाद से नेचर निकालना हम दो तरीके से निकालेंगे एक तो हम लाइन से निकालेंगे और यहाँ पे अभी मैंने आपको लाइन नहीं पढ़ाया है तो मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले से निकलवाऊंगा और सेंट्रोइड निकालना तो और भी लल्लू है सेंट्रोइड का फार्मूला मैं बताऊंगा फिर दूसरे तरीके भी बताएंगे कि हाउ टू फाइंड सेंट्रोइड और उसका मीडियन भी बताएंगे सब मुझे सेंट्रोइड का फार्मूला आता है हाँ ये सबको आता होगा कुछ नहीं करना होता है सेंट्रोइड के फार्मूले में तीनों अगर एक्स मुझे पता हो ना तो जोड़ के मान लीजिए सेंट्रोइड जो हमें निकालना है सी एक्स को मवाई निकालना है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक्स को जोड़ के 3x जोड़ रहे हैं तो 3 से भाग दे दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन 3 से भाग दे दीजिए अब तीनों y को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन 3 ये तो बहुत लल्लू होता है ठीक है तो अभी हम बात करेंगे सब पे एक एक करके बात करेंगे पहले एरिया पे आते हैं ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला बनेगा एरिया ट्रायंगल से बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम कैसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे आपने फार्मूला जो पढ़ा होगा मुझे बताइए कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा क्लास 9 में पढ़ा होगा ये फार्मूला मुझे मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है आई थिंक बताइए आपने कौन सा फार्मूला पढ़ा है 1/2 बेस इनटू हाइट हां वो तो ट्रायंगल का तब होता है ना वो तो ट्रायंगल का तब होता है जब मुझे किसी ट्रायंगल का बेस भी पता हो और हाइट भी पता हो ये तो तब होता है जब मुझे बेस की हाइट मान लीजिए b है और हाइट h है तो हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ b इनटू h हाफ बेस इनटू हाइट ये तो तब होता है लेकिन हमें यहाँ पे बेस हाइट नहीं पता है हमें ये पता है कि x1, y1, x2, y2 और x3 सिर्फ कोऑर्डिनेटर पता है तो सर ये √3/a/4² आप जो रूट हाँ शिफा आपने जो बात बोला
आप थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में अभी जी रही हैं, अभी थोड़ा मेरी बात सुनेगा। आपने बोला कि रूट 3/4 ए स्क्वायर यह एक स्पेसिफिक एंगल का एरिया होता है, एक स्पेसिफिक ट्रेंगल का एरिया होता है, और वो भी कौन से ट्रेंगल का एरिया होता है बताओ याशीन, ऐसे ट्रेंगल का जिसके तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया होता है। हर ट्रेंगल का जो आप रिजल्ट बता रही है ना हमें, हर ट्रेंगल का अलग अलग हमने रिजल्ट डिफाइन करा हुआ है, आपने इसको मेंशुरेशन में पढ़ा होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये सब साइड वगैरह भी कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ तीन कोऑर्डिनेट पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमयू में आया हुआ एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वहां से आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ठीक है। या फिर आइए हम आपके उस पे चलते हैं, आपका जो डीपीपी है आइए इस पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप करके आइएगा डिस्टेंस बिटवीन वाला ठीक है, कोई भी छोड़िएगा मत। ओके सर, ठीक है सर। देखो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी मैं भी करवाऊंगा शुरू में। देखिए जैसे ही क्वेश्चन 30 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 30 अब मैं बड़ा कर दूं क्या इसे, मतलब जूम कर दूं, आओ जूम कर देता हूं, अब दिखेगा क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा होगा। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स, यहां पे मैं दिखा रहा हूं the area of triangle with a vertex. So, the tenth में मैंने formula पढ़ा था 1/2 x1 x y2 minus y3 ये वाला formula होगा। हाँ, obviously जब भी coordinate दिया होता है तो हम यही formula लगाते हैं। मैं formula आपको बता देता हूँ, wait, area of triangle का जो formula होता है, जो जब coordinate दिए होते हैं पूरे coordinate में हम यही formula लगाएंगे, 1/2 x1 उसके बाद 1 आ गया ना तो y2 minus y1 फिर प्लस अभी x1 आया तो x2 लिखिए, अब 2 आ गया ना तो y3 minus उसके बाद y3 minus 3 देखिए 2 आया फिर 1 आया y1 sorry a1 आ चुका है ना, 1 नहीं आएगा 2 3 आएगा y3 होगा प्लस, अब देखिए a2 यहां पे, अब x2 आ गया तो यहां पे फिर अब x3 लिखिए, अब 3 के बाद क्या लिखिएगा y1 minus y2 This is the formula of triangle. तो इसको लगाइए और मुझे आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सिखाता हूँ बच्चों को ट्रायंगल का एरिया निकालना, पहले इतना लगा के आप बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 30, फिर जो मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा सर यू आर ट्रायंगल का एरिया निकाल के मुझे यहाँ से बताइए, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 3.0 7.0 एंड 8.4 ओके हाँ जी सर 8 आ रहा है, मतलब भाई ने बोला, यशिन भाई ने बोला ऑप्शन नंबर सी, बोलिए यशिन, बाकी कोई और सर भी हो रहा है हाँ जी निकाली कोई दिक्कत नहीं है। बस आई थिंक सिर्फ 4 क्लास में देखना शिफा, तुम्हारा मेंटल लेवल इतना बढ़ जाएगा, जो भी तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऐसे मतलब कोई भी फार्मूला बता रही थी ना उठा के कि √3/4a² ऐसे नहीं बोलोगी, तुम सोचोगी पहले कि कौन से ट्रायंगल के एरिया की बात की जा रही है, क्या उसका साइड दिया है या फिर उसका कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो जब कोऑर्डिनेट्स दिया होगा तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे, जब साइड दिया होगा तो साइड का फार्मूला लगाएंगे ठीक है, या अगर कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल दिया होगा तो हम स्पेसिफिक रिजल्ट लगाएंगे ठीक है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है। चलो आंसर देखते हैं कितने लोग का सही आ रहा है, तुमने कर लिया शिफा? आंसर रॉन्ग आ रहा है मेरा तो भी रॉन्ग आ रहा है, कोई नहीं
पी इज इक्वल टू क्या आया, पी इज पी के कोऑर्डिनेट बोलो, पी इज इक्वल टू क्या है 3.0 है यासिन, क्यू इज इक्वल टू क्या है 7.0 है, बोलो यासिन भाई, और आर इज इक्वल टू 8.4 है, आर इज इक्वल टू 8.4। अब देखो मैं फार्मूला क्या बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कितना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और हमारे पास दिमाग है भी नहीं, और मैं तो बीटेक को पढ़ाऊँ या डिप्लोमा वालों को या इलेवंथ वालों को, मैं हमेशा फार्मूलों से बचाता हूँ, ज्यादा याद करने के लिए नहीं करता हूँ, बोलता हूँ प्रैक्टिस से जितना याद हो जाए वही याद करो, दिमाग पे जोर मत डालो, क्योंकि वैसे भी याद करते हैं लोग भूल जाते हैं। तो देखो मेथड सीखो, यहाँ लिखना 1/2 फार्मूले में है ना, तो लिख दो, उसके बाद से अपने को क्या करना होगा ध्यान से सुनना, इन सबको लिखते जाओ 3 0 7 0 8 4, और फिर जहां से चले थे ना, जहां से चले थे 30 से चले थे, तो लास्ट में वही चीज लिख दो, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ ऐसे ऐसे, ठीक है, तो करो और उनको जोड़ दो, तो ये क्या 30 मल्टीप्लाई करे तो क्या आया 0 आया, 7 4 7 4 11 मल्टीप्लाई करना है 28 मल्टीप्लाई करना है 28, ठीक है, और 8 का 0 में मल्टीप्लाई करे 0, अभी तो तुम तीनों का मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिए, अब माइनस करो, अब इधर वाला मल्टीप्लाई करो, जादू देखो जादू, 7 का 0 मल्टीप्लाई किए 0, 8 का 0 में किए 0, ये क्या 3 का 4 में किए क्या आया 12 आया, 12 क्या आया 12 आया, 12 28 में से 12 घटाओ 8 में से 2 गया 6, 1 में से 2 में से 1 गया 1, 16/2 आंसर 8, खत्म, है ना झकास मेथड, यस सर, इससे गलती ही नहीं हो सकता है, मतलब मैं तो कभी इससे मिस्टेक नहीं करता हूं, क्या पता मिस्टेक करने वाले तो किसी 2 और 4 को जोड़ने में मिस्टेक कर देते हैं, है कि नहीं, लेकिन हाँ दिस इज दिस आई एम श्योर कि दिस फार्मूला इज बेटर देन दिस, क्या ये भी तो ठीक ठाक लंबाई है, क्या कह रहा हूँ ये फार्मूला भी ठीक ठाक लंबा है, लंबा नहीं है, लंबा नहीं, यही तो तुमने नहीं देखा, यही तुमने नहीं देखा, चलो मैं बताता हूँ कि तुमने क्या मतलब एक्चुअली सपोज दैट इस क्वेश्चन का ये तो एक ट्रायंगल दे रहा ना, इसका सर हमको बोल रहा है कि सर्कम रेडियस निकालिए, वो तो बात की बात है, पहले हम देख रहे हैं उस ट्रायंगल का एरिया क्या है, अगर मुझे निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा, सोचो तुम्हें लग रहा है ठीक ठाक लंबा है, पर अभी एक्चुअली तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि वो फॉर्मूला लंबा है, क्योंकि इसको उसमें याद रखने का झंझट नहीं इस फॉर्मूले में, जैसे इस ट्रायंगल को मैं देता हूँ 8.6 8.-2, जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, मैं कहता हूँ 8.6 8.-2 और 8.-2 और 2.-2 और मैं बोलता हूँ 2.-2, अब मेरे सामने एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स आए आए ना यासिन, हेलो, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं एरिया निकालने के लिए बस ऐसे सजा दूंगा 8 6 8-2 2-2 और जहां से चले थे वही लिख दूंगा 8 और 6, इसको तुम अपने मेथड से जो बेसिक मेथड था ट्रेडिशनल उससे करके देखना, तुम्हें लगेगा कि अरे यार वो तो थोड़ा टफ जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा इसके इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 8 × -16 -16 और माइनस, फिर इसका इसमें करो इसका इसमें करो 16 और फिर -16 -32 और ये क्या हो गया 12, -32 में से 12 जोड़ दो कितना आएगा, -32 में से 12 जोड़ो 20 आएगा, तो हो गया -20, फिर माइनस, अब इसको इसमें से मल्टीप्लाई करो और घटाते जाओ, इसका इस इधर वाला मल्टीप्लाई करते जाना घटाते जाना, ठीक है, तो 8 × 6 = 48 फिर -4 फिर -16 आंसर, ये दिस इज योर आंसर, बस इतना ही करना अपने को, और एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, तो बाद में मॉडुलस ले लेना अगर निगेटिव आ रहा हो, दिस इज सिंपल, अरे सिंपल नहीं है शिफा, दिस फार्मूला इज सिंपल और नॉट, उससे ज्यादा सिंपल है कि नहीं, इससे ज्यादा सिंपल है कि नहीं, यासिन कह रहा है कि लेंदी है बड़ा है, मुझे तो नहीं लगता है, पर खैर अपनी अपनी चॉइस होती है कि मतलब सबकी अपनी चॉइस होती है ना, पर मुझे ही सिंपल लगता है, मैं तो तुम्हें कहूंगा यही फॉलो करो, तुम उसे भी फॉलो कर सकते हो, नो डाउट, अब आंसर इससे आ जाएगा, ये बात समझ में आया, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, 100% निकाल सकते हो ना, यस सर, ठीक है, अगर तुम निकाल सकते हो तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में तुम्हें 3 पॉइंट देगा, जैसे यहाँ पे मैं बोला था कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो पहला कंडीशन क्या होगा, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उससे जो बनने वाला ट्रेंगल होगा उसका एरिया क्या होगा 0 होगा, ये बात बताओ, नहीं होगा,
एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होगा, एरिया फॉर्म बाई दीज थ्री पॉइंट, एरिया फॉर्म्ड बाई ट्रेंगल ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल एरिया सॉरी एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाई दीज टू पॉइंट एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म्ड बाई these three points zero simple. अरे देखो अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंगल बन ही नहीं रहा है, सोचो ट्रेंगल बन रहा है क्या अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो, हेलो नहीं बन रहा है, जब ट्रेंगल नहीं बन रहा है तो उसका एरिया कुछ होगा क्या, उसका एरिया होगा नहीं होगा, उसका एरिया जीरो होगा, सिंपल. तो जितने भी कोलिनियरिटी के क्वेश्चन तुम्हारे सामने अब दिख रहे हैं उसमें से कम एक दो तो मुझे करके दिखाई दो, ठीक है सिफा, एक्चुअली तुम्हारे तुम्हारे बैकग्राउंड से बच्चों की आवाज आ रही है, सब वेट मैं भी सबको भगा रहा हूं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करो, एक्चुअली रिकॉर्ड होता है ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डालने पड़ते हैं डेमो के लिए ताकि बच्चों को भरोसा हो कि हाँ मतलब एक जो टीचर है अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब फीस लेके वैसे ही. एक तीन पॉइंट दिख रहा है कौन, यासीन भाई आप ये तीन पॉइंट दिख रहा है ना, तो एक क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट बोल रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब साफ है अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इस पॉइंट के एरिया इस पॉइंट का एरिया जीरो होगा, अगर इस पॉइंट का एरिया जीरो होगा तो एक इक्वेशन मिलेगी और वहां से की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो जल्दी से मुझे आप करके दिखाइए, मैं कर दूं या आप करना चाहेंगे, नहीं कर देंगे सभी क्वेश्चन करना चाहेंगे करिए, क्वेश्चन नंबर 6 यू शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 और कॉन्सेप्ट क्या लगेगा शिफा बताओ मुझे, वन मिनट एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एक्स वन नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाँ ठीक है यार, अरे वो फॉर्मूला बोल जाओ यार वो बचपन का फॉर्मूला था, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहा है ना, बोल रहा है कोलिनियर है तो मतलब हम पहला कॉन्सेप्ट लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है खत्म, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने ये देखा है, हमने कॉन्सेप्ट देखा है क्या कॉन्सेप्ट है इसका, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ठीक है, रुको फॉर्मूला लिख देता हूँ नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग, ऐसे तो ए तो करना हो गया लेकिन इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ ठीक है, आपसे इसी को याद रखना, तुम चाहो तो उससे कर सकते हो लेकिन मैं अपने बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उससे करो, एरियाज होता है हाफ, तुम्हें पता है जामिया का जो एंट्रेंस होता है ना मतलब डिप्लोमा वाला वो एएमयू के जैसा ही सिलेबस होता है लेकिन पता है इससे टफ होता है, एएमयू से टफ होता है, पेपर उठा के देखना उसमें 11th की काफी चीजें पूछते हैं सब, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेकिन फिर भी मेरा बच्चा मैंने 2 महीने पढ़ाया था उसको, 2 से 2.5 महीने, हाँ बाकी ये था कि पोस्टपोन हो गया था एग्जाम तो हमने प्रैक्टिस खूब करी थी और उसका उससे इतना फायदा हुआ कि उसकी फर्स्ट रैंक थी, बाकी कोचिंग वाले तो मतलब काफी दिन पढ़ाते हैं 6-6 महीना पढ़ाते हैं फिर भी मतलब इस बार उन्होंने टॉप नहीं करा पाया और उसका एक ही रीजन था क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत करी थी, तुम भी प्रैक्टिस बहुत करना और मैं जितना बोलू ना बस उतना करते जाना, तुम्हारे क्वेश्चन ही फंस सकते हैं, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यस सर, देखो सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, अगर तुम्हें भरोसा है ना तो सिलेक्शन बहुत अच्छा, और तुम मेहनत कर रहे हो, दो चीज, एक भरोसा और एक मेहनत, पक्का सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दूसरों से तो काफी ज्यादा हैं, हाँ पॉइंट्स तीन कोलिनियर बोल रहा है कि मुझे वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से, बोलो आप ही करें, मैं कर दूं, बहुत अच्छे शिफा तुमसे हो गया है क्वेश्चन, नो सर, ठीक है तो मुझे बताना है कि सर मुझे कहां तुम्हें जहां पे भी प्रॉब्लम हुआ है, तुम दोनों को जहां पे भी प्रॉब्लम हुआ है तुम मुझे बताना, शेयर विद मी, ओके एक पॉइंट था ना k k 2k
3k और 3.1 देखना, एक बार चेक करना, k पॉइंट्स 2k, 3k 3k और 3k 1, यही पॉइंट था ना? बोलो दोस्त, अपने को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो होगा। इस बात से तो सहमत हो मेरे भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने अभी देखा है, अभी जस्ट देखा है कि हमें नया फार्मूला जो दिया गया है उससे भी कर सकते हो, पुराने से भी कर सकते हो, आंसर तो दोनों से सेम आएगा, लेकिन मैं नया फार्मूला लगाऊंगा, के कॉमा टू के, और क्या लगाऊंगा, 3k, 3k, और फिर क्या लगाऊंगा, 3.1, फिर k कॉमा 2k इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो के बराबर, हाफ, यही फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई, नहीं नहीं है ना? नहीं, नो सर। चलो तुम खुद देखना ना, इसको दो को तो उधर भेज दो, तुम खुद देखना कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कितने बच्चे तुमसे फास्ट कर पाते हैं, शायद भी कोई हो जिसका मेंटल लेवल तुमसे अच्छा हो वही कर सकता है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, फिर माइनस करते हैं, और इसके मल्टी इसके मल्टीप्लिकेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही सिखाया हूं ना, मेरा 1/1 माइनस 1/6 आया, 6k स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 9k और क्या हो जाएगा प्लस k, एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो जोड़ दो ना, 9k हो गया, और ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 6k स्क्वायर माइनस 9k प्लस k, ये 9k लिख दो और माइनस k लिख दो, बराबर जीरो। इस बात से तो तुम सहमत होगे, 9k से 9k को उड़ा सकते हो, बताओ। yes, तो अगर मैं कहूं 3k स्क्वायर में से 6k स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस 3k स्क्वायर माइनस k बराबर जीरो, माइनस से भाग दे दो, माइनस k कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ आएगा, k इज इक्वल टू जीरो, एक तो ये हो सकता है और एक क्या हो सकता है, k इज इक्वल टू 1/3, एम आई राइट? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? यासीन तुम कहां मिस्टेक कर रहे थे? हां तो क्या देखो, अगर k तुम 0.0 रखोगे तब तो सारा 0.0 हो जाएगा, तो फिर तीन पॉइंट नहीं हुए ना, एक ही पॉइंट हुआ ये तो, और इसको रखोगे तो इससे जो बनेगा पॉइंट्स बनेगा, इसको रखोगे तो इससे जो पॉइंट बनेगा उससे जो ट्रायंगल बनने वाला है उसका एरिया 0 होगा। तो यासीन और शिफात तुम बता सकते हो कि तुमने गलती कहां करा था? फार्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो फिर गलती कहां हुई? मेरा कैलकुलेशन गलती हुई। अरे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, पहले इसका कर लो गुणा, फिर इसका गुणा कर लो, फिर इसका गुणा कर लो, तीनों को लिख लो जोड़ के, हैं, फिर माइनस करो, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो और माइनस कर दो, खत्म। शिफा, कैन यू टेल मी प्लीज, कहां तुमने गलती करा था? देखो गलती पकड़ोगी तभी होगा काम, सिलेक्शन तभी होता है जब हमें समझ में आए कि हमने कहां गलती कराया, और ट्राई करना कि टीचर से ज्यादा ज्यादा कम्युनिकेट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन नंबर 15, कितने लोग कर लेंगे? मैं इसे कर दूं या करोगे? कंडीशन बताना है, एक्स और वाई में कंडीशन बताना है, तो सिंपल क्या करना होगा तुम्हें? हेलो, मेरी मैं फास्ट तो नहीं कर रहा ना, ज्यादा फास्ट लेके चल रहा है क्या? बोलो तो मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है ना स्पीड? यस सर। शिफा, स्पीड ज्यादा है क्या? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो ये मुझे बोला जा रहा है कि तीन पॉइंट हैं, कोलिनियर हैं, तो एक्स और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो पहले कोलिनियर की कंडीशन लगाओ, वहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लगाओ तो कोलिनियर की कंडीशन, लगाने आता है कोलिनियर की कंडीशन कि कैसे कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं, किसको लगाने आता है बताओ बच्चा लोग? एरिया जीरो, इससे जो इस तीन पॉइंट से जो एरिया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा उसका एरिया जीरो होगा, तो हमें ट्रायंगल का एरिया जीरो, हमें ट्रायंगल का एरिया पता है, हम उसको जीरो के बराबर कर देंगे। जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ यार, अगर तुम लोग आंसर बताओगे तो मुझे लगेगा यू आर डूइंग गुड, मतलब मैं एक अच्छा टीचर की तरफ पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझे लगेगा यार टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ तुम लोग का। देखो सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, डिस्टेंस फ्रॉम इतना टू एक्स एक्सिस,
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ओरिजिन, ये सब करके आना कल, ठीक है? मैं ये सब नहीं बताने वाला, ठीक है ना दोस्त? ठीक, हाँ ये सब तुमको करना है। y is equal to 2x, बस हो गया। मजा आ रहा है? शिफा तुमसे नहीं हो रहा है क्या? हेलो शिफा, चली गई क्या वो? चलो मैं कर देता हूँ यार, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर सर बस हमसे करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन है ना, तीन पॉइंट हैं, ये ना 0, 1, 2, 0, 0 और x, y, तो बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो फटाक से, क्या लिखोगे? 1, 2, 0, 0, x, y, फिर क्या लिखोगे? 1, 2, जहां से चलते हैं वही लिखते हैं ना, और आगे क्या लगा देते हैं? 1/2, यही लगाते हैं कि नहीं? बोलो याशिन, ये बराबर 0। अभी तो 0 होगा नहीं, यही 0 है, तो अब इसको हम लिख देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक इसमें, 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 तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया 2x माइनस, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 और 1 y = 0, तो 2x = 2y, खत्म, आंसर। पे एग्जाम में बहुत दल्लू हो जाएगा ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर तुमने प्रैक्टिस कराया ना तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मैं सच बता रहा हूँ। तो मतलब जो 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 जिन चीजों में लोग उलझ जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मेरे स्टूडेंट पिछली बार एग्जाम देके आए थे, बोले थे सर मतलब एग्जैक्टली मैं आंसर बोलती हूँ बट आप रिस्पॉन्स, अच्छा नो। हेलो क्या हुआ शिफा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो बोलते हैं कि सर जो आपने बताया था एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन वही, उससे कम लेवल के ही थे, आप तो बहुत हाई लेवल का बता दिए थे कई क्वेश्चन, तो अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हें जरूर फील आएगा अपने एग्जाम में। अब चलो, तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ली, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी देख ली, देख ली कि नहीं देख ली बताओ भाई, डाउट हो तो बोल दो। हो गया ये वाला क्वेश्चन, एक और कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए, एक्चुअली यार रिकॉर्डिंग इज ऑन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए उस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, शिफा की आवाज तो आ नहीं रही है, बस बच्चों की आवाज आ रही है। दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, क्वेश्चन नंबर 10, कितने बच्चों को दिख रहा है? हाँ याशीन, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से कर दो याशीन, 1/a + 1/b की वैल्यू पूछा है, सारी वैरायटी करवा दे रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पे से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। चलो जल्दी करो, 2 दिन लगेगा एक चैप्टर खत्म करने में मुश्किल से मुझे, और साइंस तो उससे बहुत तेज में खत्म करता हूँ, और ऐसा नहीं रहेगा कि तुमसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, आई एम डैम श्योर कि तुम क्वेश्चन बहुत तेज लगाओगे, क्योंकि मेरे कोचिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है, हम क्वेश्चन पे बहुत फोकस करते हैं भाई, बहुत ज्यादा। क्या इसमें मेरा वन आ रहा है? नहीं, भाई के थोड़ी ना निकालना है, क्या देख रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा हूँ, सॉल्व करो, 1/a + 1/b की वैल्यू चाहिए। मैं तब तक शिफा का हाल चाल पूछता हूँ, वो क्वेश्चन कर रही है या उससे बन पा रहा है कि नहीं। शिफा अगर क्वेश्चन ना बने तो रिस्पॉन्ड करना, हेलो शिफा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं छोड़ के भाग जाता हूँ, अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करो,
मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बताओ बन रहा है क्वेश्चन दसवां, मतलब इससे पहले वाला बना था तुमसे? नहीं क्वेश्चन नहीं बना था, तो फिर बोल नहीं पा रही थी कि सर मुझसे नहीं बना, मुझसे सिखाओ, इसमें क्या डाउट था? तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करना था, ये तीन पॉइंट दिए हुए हैं, एक्स और वाई में क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, जीरो करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना? यस सर। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, फिर माइनस करते हैं, ए वन बाई टू मान लो आगे है, चलो कोई बात नहीं, वन बाई टू आगे है, फिर क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, उल्टा चल के माइनस कर देते हैं, तो तुमने क्या करा, इसका पहले कर दिया, फिर उल्टा चल के वाई माइनस कर दिया, अब इसको जीरो के बराबर करना है, तो वन बाई टू टू एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, दिस इज द इक्वेशन, ये तो जीरो है नहीं, इसको दो को उधर भेज दो, दो को उधर भेज दो, तो दो जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो जीरो बन जाएगा, तो क्या बचा, टू एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट? तो इसमें क्या दिक्कत था, बड़ा क्वेश्चन था क्या? देखो ना है ना, छोटी छोटी बात, मान लो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो तुम उससे कहोगे सर हमें नहीं हो रहा है, मुझे इक्वेशन सॉल्व करना सिखाइए, नो डाउट आई विल टीच यू, बहुत मैं जीरो लेवल से सिखाता हूँ बच्चों को, तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज अगर शर्माओगे तो फिर कल फिर रिजल्ट के दिन शर्माना पड़ेगा, तो आज खुल के बात करो, रिजल्ट के दिन भी खुल के बात करो। चलो इक्वेशन 10 दिख रहा है शिफा तुम्हें? इफ द पॉइंट 1, 1, a, 0, 0, b बोल रहा है कि कोलिनियर है, तो 1 by a plus 1 by b की वैल्यू बताइए, आई थिंक यू कैन डू दिस, कैसे करना है, नियम वही है, कानून भी वही है, अगर तुम जब तक ट्रायंगल वाले में क्लियर नहीं करोगे फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ट्रायंगल वाला क्लियर करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अभी अपने को सेक्शन फार्मूला भी करना है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम लोग साथ ही स्पीड बनाएंगे चले मेरे साथ, तो ज्यादा ज्यादा या तो एक दिन लगेगा किसी चैप्टर में, या किसी चैप्टर में दो दिन लगेगा, किसी में तीन दिन लगेगा, तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, आई एम डैम श्योर, और हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। ये नहीं, ये नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं करना है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, ओके। अच्छा याशीन अगर तुम्हें चलना आता है, मान लो तुम्हें चलना आता है, ठीक है तुम चल सकते हो, तो मैं तुम्हें एक कदम चलने के लिए कहूँ या 200 कदम चलने के लिए कहूँ, चल लोगे कि नहीं चल लोगे? चलने का नियम तो वही होगा ना, कि नियम बदल जाएगा, बस पेशेंस की जरूरत होगी ना। हाँ। तो तुम्हें छोटा क्वेश्चन करना हो या बड़ा क्वेश्चन करना हो, अगर तुम्हें नियम आता है ना, रूल आता है, तो कर लोगे, बस पेशेंस रखना होगा आंसर लेके आने के लिए, तो हम थोड़ा पेशेंस चेक करते हैं। यही था ना पॉइंट, क्या यही है, और हमको क्या फाइंड करना है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी फाइंड करना है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। चलो आ जाओ दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल चूंकि क्या है, दिस इज कोलिनियर, am I right? कोलिनियर मतलब yes, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, जीरो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1 बाई 2, उसके बाद सारे पॉइंट्स को सजा दूंगा मैं यहाँ पे, यस सर, अब इसको कैसे करिएगा, कैसे करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, तो चलो 1 बाई 2 आगे रहेगा, ये हो गया 0 प्लस ए बी, फिर प्लस 0, ये लिख दिया तुमने, यस सर, ठीक है, फिर माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, बोलो क्या माइनस करते हैं, इधर से उल्टा चल के माइनस, उल्टा मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं ना, yes, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ए का 1 में मल्टीप्लाई करोगी तो क्या आएगा, ए आएगा, बोल दो, बोलो मेरे साथ सिखाओ, yes, फिर जीरो, फिर जीरो,
हाँ फिर जीरो कैसे आएगा, ये तो वन इंटू बी आएगा ना। देखो ए का वन में की तो ए आया, जीरो का जीरो में की तो जीरो आया, फिर वन का बी में की तो क्या आया, बी आया। मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर, तो इसको क्या कर दो। हाँ जी बताइए सर, ये क्वेश्चन मैंने लिख ली थी पहले, बस मुझे उसके आगे का नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ तक तुमने लिखा है, यहाँ तक? यस सर, वो मैंने पहले सॉल्व कर लिया। फिर तो तुमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ये दो को इधर भेज दो, ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली? जीरो प्लस जीरो प्लस ए बी, ए बी बचेगा माइनस, इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा बराबर जीरो। तो ऐसा लिख लो ए बी बराबर क्या, ए प्लस बी। अब ए बी से भाग दे देना जरा, ए बी से भाग दोगे तो ये हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा ए अपान ए प्लस बी, सॉरी ए अपान ए बी, ध्यान से देखना, ए अपान ए बी प्लस बी अपान ए बी, ये दिख रहा है। ए से ए शहीद हो गया, बी से बी भी शहीद हो गया, तो क्या बचा, वन इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस वन बाई बी। हमको इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, इसी की, इसकी वैल्यू क्या है, वन है। अपना आंसर मैच करना सही, टू का पे चला गया, मैंने टू का इधर भाग, इधर मल्टीप्लाई, टू को इधर भेज दिया, तो टू जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, टू का जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ दोस्त, जीरो नहीं हो गया? यस सर। तो बस तो फिर, और उसके बाद मैंने इसको लिख लिया सर, ये तो जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर जीरो हो गया, तो इधर बचा ए बी, और इधर क्या बचा, ए प्लस बी। Am I right? Yes, sir. मैं थोड़ा कैलकुलेशन पास करता हूँ, अगर ना समझ में आए तो पूछना। सर एक मिनट, आई एम डूइंग। हाँ करो करो करो, सिंपल था। फिर मैं ए बी से डिवाइड कर दिया, क्या किया, ए बी से डिवाइड कर दिया, ए बी से डिवाइड, ओके सर। बस ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ए बी से डिवाइड किया तो ये तो वन बन गया, ए क्या हुआ, ए अपान ए बी, तो ए से ए कट गया, बी से बी, सिर्फ वन बाई बी बचा, और बी से बी, तो क्या बच गया इधर, वन बाई ए प्लस वन बाई बी, और इसी की वैल्यू चाहिए थी, दिस इज इक्वल टू वन। सो ओके डन, मस्त क्वेश्चन था, अच्छा लगा। यस सर। हाँ तो ऐसे 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 क्वेश्चन में एग्जाम में लोग का दिमाग बहुत लोग का काम नहीं करता है तुम्हारे लेवल पर, ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारा करेगा आपसे, आपसे तुम सोच पाओगे। यासीन कहाँ गया, चला गया क्या यासीन भाई, क्या दिक्कत था तुम्हें इसमें, यही नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक तो कर ही लिए होगे, हाँ ये भी नहीं कर पाए थे, नहीं, बस ए बी से तो भाग, बी आ रहा था, मतलब तुमने क्या करा है, यही मिस्टेक करा है, मतलब इसी फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक करा है तुमने। इस क्वेश्चन को डन करें, ठीक है चलो, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो हम क्या फिर पीछे आते हैं, जाओ हमने एरिया के सारे देख लिए ना, सारे वैरायटी देख लिए एरिया के, बताओ देख लिए कि नहीं, एरिया डन कर दूं, मैं डन कर दूं इसको, एरिया निकाल सकते हो, और फिर कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब आओ नेचर, नेचर देखते हैं, नेचर देखते हैं। अच्छा नहीं, एरिया में एक चीज मैं तुम्हें और सिखाना चाहूंगा, देखो कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी करने के लिए लोग पता है क्या दे देते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल दे देते हैं, तो मैं थोड़ा सा हैशटैग मार के सिखा दे रहा हूँ, बाकी बहुत नहीं आता है, कभी कभी आता है, ठीक है, तो हेडिंग डाल लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा तुम लोग पेन पेपर लेके बैठे हो ना, ऐसे ही बस प्रवचन सुन रहे हो? यस सर। नहीं सर, मेरे पास बुक भी है, नोटबुक भी है। नाइस, इफ यू आर बोथ देन इट्स गुड। कहां से हो तुम शिफा? अलीगढ़ से? यूपी? नो सर, मतलब यूपी से तो मैं भी हूँ। तो सर कौन से साइड? कासगंज साइड। ये किधर है? सर कासगंज डिस्ट्रिक्ट है ये तो। अच्छा, और तुम याशिन, तुम तो वहां से हो ना, बिहार से? हाँ पटना से। पटना बहुत अच्छी जगह है, तुम पता है मेरा दोस्त है, मेरा मेरे साथ में रहता था, मतलब सेम हॉस्टल में रहते थे और सेम जगह पढ़े थे, और बिहार से ही था वो, उधर कौन सा है, कटिहार, नाम सुने हो? हाँ। वहीं से हो, तुम्हारे पटना में ही है, नाइटी पटना में, वो भी इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक कर रहा है। ये दिख रहा है x1, x2, x3, y3, y4, x1, y4, देखो क्वाड्रिलेटरल कित, ये सोचो क्वाड्रिलेटरल कितने पॉइंट को मिला के बनाया जाता है, तीन की चार, चार पॉइंट को, फोर। यस सर, जिस तरीके से ट्रायंगल बनाने के लिए तीन पॉइंट की जरूरत पड़ती है,
ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? 3 पॉइंट की, 3 पॉइंट। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यस सर। मेक अ 4 पॉइंट। तो देखो ये 4 पॉइंट दे देगा, जैसे अभी ट्रायंगल में क्या दे रहा था, 3 पॉइंट दे रहा था और बोल रहा था एरिया बताओ। yes, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट दे देगा, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4। यस सर। अब बोलेगा इसका एरिया बताओ। ये बहुत टफ क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे हो गया, मतलब तुम्हारे लेवल पे सिर्फ 10-20% को 20% बच्चे ही करते हैं, बाकी सबको तो हवा ही नहीं लगता है। ठीक है, तो देखो इसका करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हें। कुछ मत करना। क्या करना? तुम कुछ मत करना, जो अब तक कर रहे थे वही करना है अपने को। वही फार्मूला जो है ना रामबाण है। एरिया लिखना। एरिया क्या होता है? 1/2। फिर साइक्लिक प्रोसेस में चलना स्टार्ट करना। यहां से चलना स्टार्ट करो और यहीं पे आ जाओ। यहां से चलना स्टार्ट करो और यहीं पे आ जाओ। चलो पहले क्या लिखोगी? x1 y1। फिर क्या लिखोगी अगला? x2 y2। फिर अगला x3 y3। फिर x4 यहां पे आ गए। फिर कहां पे आ गए? फिर कहां पे आ गए? x1 y1 x1 y1। अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आता है? कैसे करते हैं इसको सॉल्व? yes, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका into y2। हां मतलब कर लेना, जोड़ देना सबको, जोड़ के यहां लिखना, फिर माइनस, माइनस करके इन सबको जोड़ के इसका, फिर इसका, फिर इसका, जैसे कर रहे थे फिर इसका इधर लिखना। और यहाँ 1/2 है ही, बराबर आ गया एरिया। yes, यही तो होता है एरिया। कर yes, लोगे? yes, बताओ कर लोगे? देखो रेयर क्वेश्चन आता है, मैं नहीं कह रहा कि आता है, लेकिन रेयर आता है, लेकिन आ भी जाता है। आ जाता है तो बस 20% लोग कर पाते हैं। तो तुम्हें फार्मूला अगर याद रहेगा ना, तो मान लो तुम्हारा लक खराब हो गया, यही क्वेश्चन दे दिया उठा के, तो आई थिंक यू कैन डू, यू कैन डू। समझ रहे हो ना? यस सर। समझ में आया फॉर्मूला कितना कारगर साबित हुआ? यस सर। अभी यही नहीं, अगर पांच, अगर तुमको पेंटागन देता या हेक्सागन देता, ये तुम्हारे लेवल पे नहीं आता है, 12th वगैरह में आता है, 11th वगैरह में, हेक्सागन होता और एरिया पूछता ना, तो उसको भी तुम इसी से निकाल सकते हो, उसको भी तुम इसी से निकाल सकते हो। इसमें इसमें 5 पॉइंट होते ना, x1, y1, x2, y2 और यहाँ पे x3, y3, x4, y4, x5, y5। ये 5 पॉइंट होते हैं ना, बोलो। yes, sir. तो इसको भी तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ 1/2 लिखो और चल लो अपना, चल लो, बढ़िया हो गया, खत्म, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। तो बस मैं एक क्वाड्रिलेटरल का तुम्हें साथ छोटा सा रिव्यू दे दिया, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तुम चाहो तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर क्वेश्चन होगा जो मैंने प्रैक्टिस सेट भेजा है उसमें अगर क्वेश्चन होगा तो ट्राई करना ऐसे, और नहीं लगेगा ना तो मैं बता दूंगा। ठीक है? यस सर। अब देखो क्वेश्चन आएगा दूसरा टाइप का, क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब जो हमने फार्मूला पढ़ा ट्रायंगल वगैरह पे, ट्रायंगल पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ट्रायंगल का नेचर बताओ। और सिर्फ वो ट्रायंगल का ही नहीं पूछते हैं, क्वाड्रिलेटरल का भी पूछते हैं। क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा मेरे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल का भी पूछते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट दिए होंगे, x1, y1, कॉन्सेप्ट सीख लो, सब कुछ इसी पे बेस्ड होगा, पूरी तुम्हारी, तुम पूरी डीपी भी खुद से करोगे। और मैं यकीन मानो, अगर तुम, मैं जितना काम दूं एक दिन में अगर तुम करते जा रहे हो ना, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस इतने हाई होंगे कि तुम्हें लगेगा, तुम एग्जाम के दिन भी तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे सिलेक्शन के चांस बहुत हाई है, क्योंकि तुमने बहुत प्रैक्टिस करा है। अगर तुम्हें ए भी दे दे और पूछे बताइए नेचर क्या है, नेचर मतलब देखो ट्रायंगल में 2-3 नेचर पूछे जा सकते हैं। पहला तुमसे पूछेगा इक्विलेटरल, ठीक है? नेचर में वो इक्विलेटरल हो सकता है या फिर राइट एंगल हो सकता है या फिर आइसोसेलस हो सकता है। क्या हो सकता है? आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है? अभी तीन ट्रायंगल मोस्टली पूछे जाते हैं कि बताइए किस नेचर का है, इक्विलेटरल है कि राइट एंगल है कि आइसोसेलस है, ठीक है? ये एक ट्रायंगल में तो ये बनता है। यस सर। और क्वाड्रिलेटरल में बनता है कि बताइए, मतलब पूछेगा नेचर बताइए, तो स्क्वायर, फिर
इसको आ रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये रोम्बस है कि क्या, रोम्बस है कि नहीं है, ठीक है, रोम्बस। और चौथा टाइप का पूछ सकता है ट्रेपेजियम, क्या पूछ सकता है चौथा? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो ये तीन चीज ट्रायंगल में पूछता है। तो पहले ना हम आपके एक एक को डिफाइन करते हैं, फिर हम पहले ट्रायंगल को करेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुम यकीन मारो जितना कह रहा हूँ उतना करो, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, पूरी डीपी भी सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स आता है ना अच्छे से, बेसिक मैथ्स इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना, तो यू कैन डू एवरीथिंग। अब देखो एक ट्रायंगल है, अब मुझे ट्रायंगल का नेचर पूछा जा रहा है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ट्रायंगल का नेचर मुझसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखता हूँ, नोट्स बनाना, मेरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड। वैसे तो ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, लेकिन तुम अपने खुद के बनाना। सर आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ जी। सेट टाइम बाउंड गोल यूट्यूब चैनल का नाम है, सेट टाइम बाउंड गोल। अगर आपको सच में मेरी मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट कर सकती हैं कि दिस इज अ यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर उनको मतलब पेड में देखना है, मतलब पेड में पढ़ना है स्पेशली, जैसे आप पढ़ रही हैं या यशिन भाई पढ़ रहे हैं, तो आके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। तुम यकीन मानना, तुम्हें लगेगा कि बहुत फायदे, मतलब यहाँ पढ़ के बहुत फायदा मिला, बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि मतलब आज तक किसी भी बच्चे का मैंने मतलब बैड रिव्यू नहीं देखा है, चाहे उसका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो। कोचिंग कितनी भी अच्छी हो, 100% लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन नहीं देती है, ठीक है, इस बात को गारंटी में रखना, इस बात को याद रखना। तुम मेहनत करोगे, मेरी बातों को मानोगे, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रायंगल, पहला देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। देखो अगर मुझे कभी भी किसी भी ट्रायंगल को इक्विलेटरल चेक करना हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करना हो, तो मैं क्या चेक करूंगा? मुझे पता है जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो क्या देगा, तीन पॉइंट दे देगा, बताओ, एक्स वन कॉमा वाई वन दे देगा, और एक्स टू कॉमा वाई टू दे देगा, और एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री दे देगा। देखो दो मेथड होते हैं, एक तो स्लोप मेथड जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं वहां यहाँ पे तुम्हें वो मेथड नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें कौन सा मेथड पढ़ाने वाला हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बोलो दोस्त। यस सर। तो मैं क्या करूंगा ना, सारे साइड को निकाल लूंगा, ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है, तो मैं ए बी निकाल लूंगा, और क्या निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा, और बी सी निकाल लूंगा, और सी। हाँ, अगर मेरा आया, अगर आ गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब तीनों साइड्स बराबर आ गए, मैं आंख मूंद के बोल दूंगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे साथ सहमत हैं आप लोग? यस सर। अगर लेकिन अगर ऐसा हो जाए मसला, अगर मसला ऐसा हो कि ट्रायंगल मान लो राइट एंगल ट्रायंगल निकला, Yes, This is A, B, C. तो मैं फिर से क्या करूंगा भाई, ए बी सी, ए बी निकालूंगा, और क्या निकालूंगा, मतलब ए बी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और बी सी मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी सी, और सी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ये तीनों डिस्टेंस निकाल लूंगा। अगर मेरा कोई जो सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस आएगी, सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, मान लो सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दोनों छोटे डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया, तो मैं उसे क्या कहूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्यों कहूंगा, क्योंकि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। यस सर। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें स्लोप से भी बताऊंगा कि अगर m1 वन डॉट एम टू माइनस वन आता है, जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा दूंगा तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया नहीं सर, वो मैं नहीं कह सकता। अगर तुमने पढ़ाओ पहले से तो अच्छी बात है, पर अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं उस बात को नहीं जिक्र कर रहा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तब भी तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस, अरे यार
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जैसा सिनेरियो दिख रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, नहीं पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा केस समझ में आया दोस्त, बताओ हाँ या ना? पहला केस क्या समझ में आया? अगर तीनों और ये बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ए बी कैसे निकालोगे, ए बी कैसे निकालोगे, बोलो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, हां हां y1 - y2 बोल लो या y2 - y, जो भी करना है कर। फिर दूसरी बात इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगी, ac कैसे निकालोगी, इसके x को इसको x से घटा दो, हां x3 - x1 का होल स्क्वायर, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y3 का होल स्क्वायर, ये क्लियर है? फिर इसी तरीके से bc निकाल लेना। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं निकालना सिखा चुका हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हाउ टू फाइंड, ओके। एंड ये था अपना राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आइसोसेलियस ट्रायंगल बन रहा होगा तो कैसा कुछ दिखेगा सिनेरियो? अगर मान लो थर्ड केस में लेता हूं, दिस इज थर्ड केस, सपोज दैट दिस इज आइसोसेलियस ट्रायंगल, this is what, this is isosceles triangle, x1 x2 x1 y1 or x2 y2 or x3 y3, isosceles triangle की अगर मैं बात करूं तो तुम भी सोचो ध्यान से क्या होगा, कोई भी दो sides अगर बराबर हो जाए तो मैं उसको isosceles बोलने लगूंगा, yes sir, नहीं बोलूंगा, yes sir। तो अगर suppose that AB बराबर AC आ जाए, या फिर AB बराबर BC हो जाए, या फिर क्या हो जाए, AC बराबर BC हो जाए, AC बराबर BC हो जाए, मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल हो गए हैं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, दिस इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड्स बराबर हो गए, या ये दोनों हो जाए या ये दोनों हो जाए या ये दोनों हो जाए, पर अगर तीनों साइड्स बराबर हो गए तो व्हाट, तीनों साइड्स बराबर हो गए तो ट्रायंगल, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वाला फार्मूला पकड़े तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो तुम ट्रायंगल का नेचर बता सकते हो कि नहीं गाइस, ट्रायंगल के नेचर पे जो क्वेश्चन आता है उसको कर सकते हो, क्वेश्चन करें आप, बहुत हो गया, यस सर, और क्वेश्चन यार क्वेश्चन कहां गया, चलो क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 हां मैं लिख के आ रहा हूं, लिख के आ रहा हूं, नो वरी, देखो ये सारे क्वेश्चन करना है, पूछ रहा है कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 52 करो, फिर 53 करो, फिर पहले क्वेश्चन नंबर 52 करो, ओके सर, हां इसमें क्या-क्या देखो, इसमें ऑप्शन में देख रहा है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, और फिर कोलिनियर भी बोल रहा है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें चेक करना पड़ेगा गाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 53 देखो, है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखो, दिख रहा है, देखो देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है नेचर पे, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, तो चलो 52 से करना स्टार्ट करो, ओके सर, कहां से, हां 51 से करना स्टार्ट करो, 51 से, 51 से लेके 56 तक करो, 51 करो पहले, मैं एक करके दिखा दूं बच्चों, सर अभी मैं सर 52 ट्राई कर रही हूं, मैं भी अच्छा 52 ट्राई कर रही हूं, मैं करके एक सिखा दूं कि तुम लोग कर लोगे, यासीन कर लेंगे, कर लोगे, मैंने वैसे फार्मूला तो बता ही दिया है, कांसेप्ट भी बता दिया, ट्राई करो, खुद से करोगे ज्यादा सीखोगे, हम तो सब कर देंगे यार, पिछले दो तीन सालों से यही कर रहा हूं, अच्छा तुम लोग का टेलीग्राम चैनल बना दूं मैं, यस सर, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप बना दूं, यस सर, यस सर,
और उसमें मैं ना डेली क्विज भेज दूंगा, जैसे मैं बीटेक वालों को 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का क्विज डालता हूँ और उन्हें ना सॉल्व करके आंसर भेजना रहता है, तुमको रिजल्ट भी वही दिख जाएगा। तो अभी एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बना रहा, तुम दो तो कौन से ज्यादा हो, ज्यादा रहते तो बनाता, और बाकी लोग वो करे हैं लेकिन मतलब पता नहीं क्या है बात है ना, कि कुछ लोग बस वैसे ही आ जाता है डेमो लेने और कुछ लोग का मन होता है पढ़ना, पढ़ने का रियली में होता है। जैसे एक जुबेर भाई आए थे, बैच स्टार्ट करवाया फिर उनका आज तक पता नहीं चला। सुनो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ, मुझे दोनों लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर देना ठीक है, ताकि मैं कर दूं। यासीन भाई आपके कुछ और फ्रेंड्स हैं जो 11th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब बढ़िया लेवल से, जो चाहते हो कि 2 महीने में कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस भी कर ले बहुत सारा, कोई है ऐसा आपके या मतलब आपका दोस्त वगैरह? मतलब अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, पढ़ने में ठीक हो, सच में चाहता हो, यू कैन सजेस्ट। 2-3 दिन में आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग फॉर एम, आप खुद कह के जाओगे मुझसे ये बात कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन में मतलब एक्चुअली इसकी ना एएमयू की कोचिंग सिर्फ अलीगढ़ में ही है और कहीं नहीं है, ऑनलाइन में अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस कौन सा करे 51 का आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब दो बराबर आए, मैं आंसर चेक करके बताऊं। चलो मैं आंसर, अब 52 कर रही थी ना, क्या नाम है शिफा, आंसर बताओ यार। यस यस 2 मिनट अभी रुक। कुछ गलत कर रहे हो आप, 51 में पता है क्या आंसर आ रहा है, राइटिंग एंड ट्रायंगल आ रहा है। -0 पहली बात, पक्का राइट एंगल आएगा, आप एक बार चेक करो, मैंने चेक कर लिया। हम देख लिए किधर, राइट एंगल नहीं आ रहा, नहीं ये यहाँ पे गलत हो गया था मेरा। हाँ गलती कर रहे हो, वो तो गलती पता है प्रैक्टिस से ही सुधरेगी, और पता है क्वेश्चन नंबर 1 से 51 से लेके आप 60 तक तो करके ही आना है ठीक है। शिफा तुम्हारा आंसर नहीं आया, तुम बस कह रही हो करती भी हो कुछ। Yes, sir, sir. Answer, जो मैंने 52 वाला किया उसका उसका 13 आ रहा था, पता नहीं। नहीं मतलब कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, हमें ऑप्शन चेक करके देखना है ना, इक्विलेटरल है या कोलिनियर है या आइसोसेलस है, पहले एक-एक चेक करो। चलो पहले ना कोलिनियर चेक कर लो, अगर कोलिनियर नहीं हो रहा है ना तो फिर डिस्टेंस निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालना करो,
क्या नाम है यासीन, तुम क्वेश्चन नंबर 52 करो, अगर 51 हो गया हो तो। फिर उसके बाद हम उस पे चलेंगे, क्वाड्रिलेटरल पे चलेंगे कि उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, इसका वो स्क्वायर होगा, कब रेक्टेंगल होगा। शिफा तुम्हें कैसा लग रहा है क्लास हमारा? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना कि अगर ऐसे तुम कंटिन्यू करके पढ़ोगी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा इजीली? यस सर। ऐसा ऐसा नहीं लग रहा? अगर नहीं लग रहा ना तो तुम सच में ऐसे पढ़ के देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मान के चलोगी तो 100%। क्योंकि अब तक जितने लोगों ने मेरी बात मानी है उनका हुआ ही हुआ है, मैंने इस बात को बहुत अच्छे से देखा है। बहुत नॉइज आ रहा है यार, पता है इसको ना, इस वीडियो को मुझे अपलोड भी करना है डेमो के लिए, नॉइज आएगा बच्चे देख के भाग जाएंगे। यासीन क्वेश्चन करो। अरे इससे पहले वाले में इतना ज्यादा नॉइज था, एक बच्चे ने डेमो लिया था वो आया भी नहीं। मुझे दुख होता है कभी कभी बहुत ज्यादा, बच्चे डेमो लेते हैं और चले जाते हैं और मैंने पूछा भाई मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आया, फिर मैं अच्छा पढ़ाता नहीं हूँ, तो क्या रीजन है? बोला कि सर बस फैमिली इशू है, मैंने वैसे ही डेमो ले लिया था, मैंने आपका देखा था। तो मतलब ये बहुत दुख हुआ कि मतलब यार जब पढ़ना नहीं था तो सामने वाले का टाइम आप वेस्ट करा रहे हो। ये गलत बात है कि नहीं अश्विन भाई? सर ये आइसोसेलस ट्रायंगल आ रहा है, ये 52 आइसोसेलस ट्रायंगल आ रहा है। मैं आपका आंसर चेक करके बता दूं, 52 में सी है आइसोसेलस, राइट राइट, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। यासीन का आंसर आ गया, शिफा आई थिंक यू शुड आल्सो आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, आई विल टेल यू नो डाउट, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट कौन करेगा? तुम क्वेश्चन 53 करो यासीन, 53 करो, 54 करो, बहुत मजा आएगा। तुम पूरा डीपी भी लगाना, तुम कहोगे सर जबरदस्त है, मतलब मजा आ रहा है मुझे। तुम 12th पास आउट हो या 10th? 10th। शिफा तुम 12th हो या 10th? अच्छा सॉरी, तुम लोग तो 11th के लिए कर रहे हो ना, तो 10th ही हो गया ऑब्वियसली। एक्चुअली डिप्लोमा वाले कुछ होते हैं जो 12th पास आउट करके भी आते हैं। मैं इससे बात करूंगा जी। ये भी मेरा आईसीएलएस से ट्रायंगल आ रहा है। सर सर मेरा 53 का आंसर ए बी का 8 और बी सी 5 और ए सी 5, मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल आ रहा है। और 52 में तुमने नहीं बताया 52 में क्या आंसर आया? सर 52 का आंसर समझ में नहीं आ रहा, वो रॉन्ग हो रहा है। अच्छा रॉन्ग हो रहा है, आओ भाई 52 देख लेते हैं, इनका रॉन्ग हो रहा है, देख लेते हैं। आइए एक्चुअली तुम्हारे में बहुत नॉइज आ रहा है शिफा। यस सर, सब म्यूट कर देती हूँ, सब म्यूट कर देती हूँ। जब आंसर देना होगा ना तो अनम्यूट कर लेना, जब आंसर देना होगा तो म्यूट कर लेना, बाकी म्यूट कर लेना। जी सर। यही था ना शिफा ने क्वेश्चन, शिफा का जो क्वेश्चन फंसा हुआ है।
तुम भी म्यूट कर लो। मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, देखो दिस क्वेश्चन का, दिस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जब आंसर देना होगा तो तुम लोग अनम्यूट कर लेना और फिर तब म्यूट कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। पी क्यू आर, पॉइंट पी इज 2.4, पॉइंट क्यू इज 0.1 और पॉइंट आर इज 4.7। ऐसे तुम लोग एक अच्छी आदत ही डालना कि हमेशा कोऑर्डिनेट में बना के करना, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे बना के करना। मैं तो बिना कार्टेशियन प्लेन के ही कर दे रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव मतलब प्रैक्टिस, मेरे पास प्रैक्टिस है, मैंने कई साल मतलब कई काफ़ी दिनों से मैं यही सब कर रहा हूँ, तो आई नो, बट तुम उससे करना ज़्यादा कभी भी ईजी हो जाता। चलो अब इसका डिस्टेंस निकाल लो, पी क्यू निकाल लो। पी क्यू क्या होगा, दो में से एक घटा, दो में से जीरो घटाओ, चार, मतलब दो में जीरो घटा के स्क्वायर कर दो, तो दो माइनस जीरो जीरो, जीरो का और फिर दो माइनस जीरो दो, दो का स्क्वायर चार, चार में से एक घटाओ तीन, तीन का स्क्वायर कितना हुआ रूट थर्टी, एम आई राइट। चलो इसमें घटाओ, चार में से जीरो घटाओ, चार में जीरो घटाओगे तो क्या चार होगा, तो चार का स्क्वायर प्लस सात में से घटाओ छः, छः का स्क्वायर ये क्या हो गया सोलह प्लस 36। और सोलह प्लस 36 क्या होगा सोचो, मुझे बताओ जल्दी से, छः छः बारह, तीन एक चार एक पाँच, आई थिंक यही होगा 36 और 16, देखता हूँ, छः छः बारह तीन एक चार एक पाँच। अब चलो इसको कर लो यार, इसको कर लो मेरे दोस्त, क्या होगा फाइनल एक्स वन माइनस एक्स टू, चार में से दो घटाऊंगा दो, दो का स्क्वायर चार प्लस सात में से चार घटाऊंगा, सात में से चार घटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्त तीन, तीन का स्क्वायर नौ, ये क्या है नौ चार रूट थर्टीन। अब देखो दो बराबर हो गए, दो 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 बराबर हो गए, इसका मतलब साफ है, अगर दो बराबर हो गए तो इसका मतलब साफ है, दिस इज व्हाट आइसोसेलस ट्रायंगल, एम आई राइट भाई, मैं राइट हूं या रॉन्ग, कितने लोगों को समझ में आया, अनम्यूट करके बोलो। कहां गलती कर रही थी शिफा, गलती कहां हो रहा था आपसे? सर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर रही थी, पता नहीं क्यों। नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल से तुम कोलिनेटी चेक करते हैं, तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनेटी चेक कर रही होगी तो नॉट जीरो आ रहा होगा, जब जब एरिया निकाल रही होगी तो एरिया की वैल्यू कुछ आ रही होगी, तो इसका मतलब साफ हो गया, अगर एरिया निकल रहा है तो इसका मतलब साफ हो गया दिस इज नॉट कोलिनियर, दिस इज नॉट कोलिनियर। और जब एक कोलिनियर है तो अगला ऑप्शन चेक करोगे ना। यस यस सर मेरा आंसर आ गया, आइसोसेलस ट्रायंगल आया है। गुड गुड, टू साइड आ गया, तो टू साइड सारे 13 आएंगे और एक साइड 52 आएंगे, हां रूट में 52, रूट में 52 आया होगा। यस सर, यस सर रूट 52, ठीक है, अगर ये आ गया तो दिस इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दे दूं, एक दे दूं क्या, चलो 56 कर लो, फिर हम अगला वाला करेंगे, अगला वाला 56 कर लो जल्दी से, फिर हम अपन लोग अगला करते हैं, एक कर लो। और ये सबका आंसर सही आना चाहिए, दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरी की नहीं दिख रही है, बोलो गाइज यार रिस्पॉन्ड करो, कोई भी माइक म्यूट करके रिस्पॉन्ड करो, फिर म्यूट कर लेना, दिख रही है, दिख रही है ना, तो बस इसको करो, फिर हम लोग अगला अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन हो गया एरिया ट्रायंगल पे। चलो एक बार कर लो, इसको कर लो, फिर अपना अपन लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला हम लोग उसका कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल का कर लेते हैं, फिर नेचर वाला बात हो जाएगा, नेचर के बाद हम सेंट्रोइड देखेंगे, सेंट्रोइड का और मीडियम देखेंगे, मीडियम हम तब देखेंगे जब सेक्शन फार्मूला पढ़ लेंगे, सेक्शन फार्मूला मैं आज खत्म कर दिया होता पर कोई नहीं। अच्छा ये डीपीपी कैसी है, अच्छी लग रही है डीपीपी प्रैक्टिस के लिए, बोलो गाइस। हाँ अच्छी है, करेंगे तब बताएंगे। हाँ करके बताना, मतलब प्रैक्टिस के लिए, इसमें बहुत इजी भी क्वेश्चन है और दो चार क्वेश्चन जो है अच्छे भी हैं, अगर तुम तो पूरी डीपीपी करते चलते हो ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी।
एक क्वेश्चन तुम लोगों ने देख लिया होगा, अब मैं एक मिनट नोट कर लेता हूं, पॉइंट नोट कर लो या फिर मैं ही उसको नोट कर लूं। यही तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेचर ऑफ, इस तीनों पॉइंट से बताओ नेचर ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल, आंसर आए तो अनम्यूट करके बोलना आंसर। फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द, सारे चले गए क्या क्लास छोड़ के, कोई आंसर क्यों नहीं बता रहा? आंसर तो ऑन राइट करके राइट ओहो हो, दिस इज, इन्होंने आंसर बोला राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तुम भी आंसर बताओ यार, शिफा आंसर बताओ। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, दिस इज ऑप्शन, राइट एंगल, आइसोसेलस, इक्विलेटरल, स्केलिन। इसमें ना ये क्या बोलते हैं, हाँ जी बताइए सर, मेरा आइसोसेलस ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल आइसो, चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा आइसोसेलस ट्रायंगल। Let me check. सब लोग म्यूट करो, म्यूट करो। Let me check. एक थोड़ा शांत माहौल में तुम लोग अगर पढ़ते तो अनम्यूट करके रख सकते थे। 3-0 9 है ना, 1-6 5 का स्क्वायर 25, एम आई राइट? 25 नो कितना होगा बच्चा, 34। यहाँ पे करो 5-0 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6-3 3 का स्क्वायर 9, ये भी हो गया √34। इसको करो 3-5 3-5 तो देखो 3-5 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1-3 क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, ये कितना हो गया 64, 4 कितना होता है 64। अच्छा एक चीज तुम्हें मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये जो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से ही लिख रहा हूँ, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि कौन सा फार्मूला लगा देना फट से,
भाई मैं डायरेक्ट लगाता हूँ और तुम भी डायरेक्ट लगाओगे, इसीलिए तुम्हारा टाइम बचेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रख लो, याद रखने के लिए है पर लगाना डायरेक्ट है। अब इसने वो इसमें यहाँ पे हमको दो चीज दिखाया, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या सेम है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ आइसोसेलस है, बोल सकता हूँ। यस सर, आइसोसेलस ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे देखो एक और चीज है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ ना, अंडर रूट 68 का स्क्वायर करता हूँ और इन दोनों का भी स्क्वायर करता हूँ, रूट 34 का स्क्वायर प्लस रूट 34 का स्क्वायर करके देखना क्या आ रहा है, ये 68 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, 34 प्लस 34 कितना हो, 68 आ रहा है। तो ये तो पाइथागोरस को भी कर गया, ये क्या हो गया, पाइथागोरस भी अप्लाई इस पे हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, राइट एंगल आइसोसेलस, मतलब ये राइट एंगल भी और आइसोसेलस भी है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, तो ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है, एम आई राइट? यस सर। देखो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल सोचो ऐसा रहा होगा, ऐसा देखो ए डिस्टेंस मतलब ए डिस्टेंस मान लो ये साइड ए रहा होगा तो ये भी साइड ए ही रहा होगा, सेम साइड रहा होगा और यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा होगा, ऐसा कुछ। तो इसको कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, अरे नाम थोड़ा उल्टा लिख दिया, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। Am I right? सबको क्लियर हुआ भाई? कितने लोग को क्लियर हुआ? Yes, sir, मुझे हो गया। बोलो दोस्तों, हो गया। तुम्हें ठीक है। तो यासीन भाई 9:11 हो गया, मतलब टाइम हो गया मेरा, ठीक है। अभी 9:30 बजे से बीटेक वालों की बैच लेनी है फिजिक्स की। तो साइंस की क्लास, तो साइंस की क्लास कब होगी? होगी एक्चुअली, अभी तो बैच स्टार्ट हुआ ना, तो भी तुम दो ही हो, दो चार और आ जाए, ठीक है, पांच लोग हो जाए फिर दोनों बैच स्टार्ट हो जाएगा, एक सुबह में रहेगा एक शाम को रहेगा, कोई दिक्कत? नो सर। बाकी एक्चुअली देखो बच्चे तो कई हैं, लेकिन वो कई बच्चे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अब सोच रखा है जो लोग पेमेंट करेंगे अब उनको एडमिशन होगा, मतलब क्लास में। जैसे देखो पहले दिन आए थे, मैं दिखा रहा हूँ, ये तो बीटेक वालों का बैच है, इसमें तो ठीक ठाक बच्चे हैं, और इसमें देखो कितने हैं स्टूडेंट, कितने हैं तुम लोग, कुल मिला के 6 हो, लेकिन 6 में से कितने लोग आए हैं, आज 2 लोग आए हैं, और पेमेंट तो अभी बस यासीन भाई ने किया है, ये बोला था कि हमारे बैंक में इशू है। हाँ बोलो सर, पेमेंट कितनी करनी होगी? तो पेमेंट आपको कई मेथड है पेमेंट का, जैसे आप पेमेंट कर सकते हो इसी ऐप से ही कर सकते हो, पहला तो एक ऐप से कर सकते हो, और डेबिट कार्ड से या मतलब एटीएम कार्ड जो होता है ना उससे कर सकते हो, ठीक है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय करते हो वैसे कर सकते हो, या फिर आप मुझे फोन पे कर सकते हो, फोन पे अमाउंट पे या गूगल पे, और 4000 पूरे कंप्लीट कोर्स का, पिछले बार से कम है, पिछले बार तो ज्यादा था, 6000 था, पर पिछले बार मैंने क्या हुआ था ना, डायरेक्ट दोनों बैच स्टार्ट कर दिए थे, तो अभी मैच चल रहा है, फिर बाद में बच्चे आ जा रहे हैं, दो चार दिन देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो जितने लोग हैं उतने लोग का ही बैच चलेगा, नो इशू, ठीक है। अगर 2 भी सिलेक्शन में देता हूँ ना, तो अगली बार मेरे पास कुछ ज्यादा ही बच्चे होंगे, ठीक है। ओके सर, तुम्हें क्लास कैसा लगा शिफा? यस सर, अच्छा लगा। अच्छा लगा, तो तुम एडमिशन ले रही हो आज? सर मैं बता दूंगी आपको। या श्योर श्योर, तो ठीक है, फिर हम क्लास खत्म करते हैं, और क्या कहते हैं हम कल फिर इसी टाइमिंग पे मिलेंगे 7:30, ठीक है? ओके यस सर, ओके गाइस, ओके, सो बाय बाय। एंड असाइनमेंट कहाँ मिलेगा पता है ना, असाइनमेंट कैसे मिलता है, जैसे दिख रहा है असाइनमेंट का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये वाली जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मिल जाएगी, मार्क करना है और आपको करके लेके आना है, ठीक है, ताकि कल तुम लोग उससे डाउट पूछ सको, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ओके गाइस फिर रखते हैं, बाय एंड टेक केयर।